एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी जिंदगी में, मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपकी बहू से मिलना बाकी है, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। कियारा वीर सिंह रजावत। ये क्या हो रहा है हमारे संग माता रानी? बात बात पर रोका है पड़ते हैं हम, उदास काहे हो जाते हैं, बहुत ही घबरा रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। क्या फील कर रहे हो वो मैं जानती हूँ वीर, पर मैं भी यहाँ इस रूम में कंफर्टेबल नहीं हूँ वीर। पर तुम ही बताओ मैं क्या करती, सबके सामने मालिनी आंटी के क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करती कि मैं गेस्ट रूम में क्यों रह रही हूँ? शायद मुझे उनके क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए था, गलती ही मेरी है। आई एम सो सॉरी वीर। यहाँ तुम इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो और वहां वो बेचारी रानी, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। नो कियारा, प्लीज आई अंडरस्टैंड। ये जो कुछ हो रहा है इसमें ना तो आपकी मर्जी है और ना ही रानी की, तो आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे ही उस वक्त सबके सामने सच बता देना चाहिए था। Nevertheless, जो तब नहीं किया वो अब कर दूंगा। मैं अभी रानी सा से बात करके ये सब सॉर्ट कर दूंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कियारा। ओके? वीर, मेरी एक जरूरी बात सुनो पहले। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे कियारा। वो वीर, हाँ ना प्लीज कियारा, बैठो इधर।
बैठो। तुम तो जानते हो कि अभी रानी सा से तुमने बात की तो बेकार का तमाशा बन जाएगा, और वैसे भी अभी अभी वो रानी सा घर पे आई है, तो उन्हें इस तरह परेशान करना आई डोंट थिंक सो सही है। और तुम और मैं तो दोस्ती है ना, भले ही तुम अभी किसी और के पति, जो भी है, पर हम दोस्त तो है ना। और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे मेरे साथ। सो इसलिए तुम बेड पे और मैं सोफा पे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नहीं नहीं, आप क्यों सोफे पे सोएंगे? मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप बेड पे सो जाइएगा। मुझे तो लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। लो जूस पियो। सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है ना, तो पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा मेरा मन नहीं है, लेने दो। थोड़ा सा ले लो। कह रहा नहीं तो क्या? Oh no! I'm sorry, कह रहा वो God, जूस तो पूरा बेड पे गिर गया। आप एक काम कीजिए, आज सोफे पे सो जाइए। और तुम? मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे वैसे भी कुछ काम याद आ गया है, तो आई विल डू दैट। आप सो जाइए, गुड नाइट। ओह नो, पूरा प्लान ही खराब हो गया। राजेश्वरी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है कि आप सब इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बात बड़ी है मॉम। नहीं विक्रम, बात बड़ी नहीं, पुरानी है। क्योंकि हमने तब भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि हम रामू की बेटी को हमारी बहू नहीं मानेंगे। वो रिश्ता हमारे मानने या नहीं मानने पर नहीं टिका है राजेश्वरी। जो हुआ वो उन दोनों की किस्मत थी। वीर और रानी का मिलना भगवान की मर्जी थी। लेकिन ये भगवान का घर नहीं है राजमाता, ये हमारा घर है, और यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। जरूर, ये आप ही का घर है, और यहाँ वही होता था जो आप चाहती थी। कियारा और वीर की मंगनी हो चुकी थी, उनकी शादी की सारी तैयारियाँ चल रही थी। वो तब का सच था और ये आज का सच है, और इसे हम चाहकर भी नकार नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हमने कियारा को हमारी बहू के तौर पे सबसे मिलवाया तो वो भी किस्मत ही हुई ना राजमाता। किस्मत नहीं है राजेश्वरी, ये तुम्हारी जिद है। और तुम समझती क्यों नहीं हो कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो गलत है? पर कियारा का ब्रो के रूम में इस तरह जाना वो भी गलत है मॉम। बात हाथ से निकल जाए उससे पहले उसे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि एक बार सच बाहर निकल गया ना, जो शायद एक ना एक दिन होने ही वाला है, तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी, और रानी, उससे हम नजर कैसे मिला पाएंगे? प्लीज राजमाता, नजर उनसे ही मिलाई जाती है जो हमारे बराबर के हो, और कोई भी कियारा के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप सबको सिर्फ रानी की फिक्र हो रही है। उसके बावजूद भी कियारा ने हमारी मदद की, प्रिंस के परिवार के सामने उसने हमारी इज्जत रखी। कोई मदद नहीं कर रही है वो हमारी, अरे उसने तो अपना कोई अलग ही एंगल घुसा रखा है। मासी ने उसे इतनी झूठ दी, पता नहीं क्या क्या बातें सिखाई हैं, तब जाके बात यहाँ तक पहुंची है मॉम। कियारा का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी आड़ में आप अपने विक्रम, हम पद्मिनी के बारे में ना कुछ सुनना चाहेंगे ना कुछ कहना चाहेंगे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने गिरे हुए हैं कि हम कियारा को वीर के कमरे में भेजेंगे? सिचुएशन ही ऐसी बनी कि कियारा को भेजना पड़ा। लेकिन विक्रम, ये तुम याद जरूर रखना, तुम्हारी माँ है हम, और तुम हमें जज कर रहे हो। अफसोस की बात यह है कि तुमने अपने माँ को अभी तक पहचाना ही नहीं। उम्मीद करते हैं राजमाता कि कम से कम आप मुझे पहचानती हैं, और आपको पता होगा कि जो भी हम करते हैं हम सामने से करते हैं। पीठ पीछे वार करना
तो हमारा स्टाइल ही नहीं है। रिलैक्स राजेश्वरी, विक्रम ने तो गलती से नहीं, दिग्विजय सबका जानना बहुत जरूरी है कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी नंदिनी की भविष्य के लिए किया है, और उसका रिश्ता उस रानी की वजह से टूट जाए वो हम होने नहीं देंगे। हमारी प्यारी नंदू, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। नंदिनी, ओहो राजकुमारी ना रही है, हम भी फ्रेश हो जाते हैं। आज रिंग देने के बाद एक किस तो करके ही रहेंगे। हाय, हमारे दिल की राजकुमारी, तोहफा कबूल करो। इतने बड़े छोटे हैं ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो नंदिनी के बाथरूम में? आपने तो कहा था आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, ये शादी रिश्ता सिर्फ नाम का है। अरे चंपा डार्लिंग, बात को समझा करो, ये सब सामने वाली पार्टी को खुश रखने के लिए करना पड़ता है। ए, वापिस दो मुझे, ये उन्हें देने हैं। ये मेरा है। ए, वापिस करो अभी। मैंने कहा ना ये मेरा है। वापिस करो। चंपा जी, जी जी हटो, जाने दो हमें। नंदिनी फाइनली मिल गए आप, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। आपने कहा था ना आपको लाल अंगूठी चाहिए, देखिए। हमें लगा आप बाथरूम में और वहां पर पता नहीं ये कहां से, और फिर वो पानी से पैर फिसल गया और सब कंफ्यूजन। आप ठीक तो है ना? हाँ, बच गए। संभल के रहा करिए, खासकर इन छोटे लोगों से, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ और साफ करो इसको। जी विश्वर हो क्या रही? चार सौ छत्तीस बटा आठ गुना सत्रह और इसमें जमा इक्यासी इज इक्वल टू कहा है? पर ये सवाल देखना, दिमाग एकदम गुल हो चुका है हमारा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमको इंजीनियर बनना है, पढ़ाई करना है। बहन, हाँ? हमारा सवाल, बहन तू तो मुश्किल से मुश्किल सवाल पल भर में ही सुलझा देती है ना, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बहन, तेरी तबीयत ठीक है ना? कुछ भी ठीक ना है पिंकू, सब कुछ हिला हुआ है, हमार मन दिमाग सब सब ऐसे उलझन में है जैसे कोई काट बांधा हुआ हो। जब हमारा जीवन इतना बड़ा सवाल बन गया है तो
किताबी सवाल का ही करेंगे हम? आखिर बात कहाँ है बहन? आज क्या हुआ है तुझे? बहन तू रो कहे रही है, क्या बात हो गई? हमको आपको याद आ रहा ना पिंकू? हमको यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमको ना गांव वापस जाना है, बाऊजी को आजाद करा के हमारे घर वापस जाना है। अरे हम भी बुढ़बक है, एक का दो, दो का चार ऐसे ही कर दिए। तू ना अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब कुछ भूल जा। बहन हम तो अपनी पढ़ाई का ध्यान रख लेंगे, पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ये देख, तेरा बनारस से इंजीनियरिंग कॉलेज का दाखिला फॉर्म है, चार दिन से आया हुआ है, पर तूने एक को बार देखा तक नहीं को। चल अब भरी से। तू चिंता काहे करता है पिंकुआ? कोई याद है बस, अव्यस्त हो गए थे। वैसे भी इसका आखिरी दिनांक दूर है ना? दूर ना है, कल ही का आखिरी तारीख है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? भरो इसे अब, और तुम्हें इसे कल की कल ही जमा करना है। ठीक है हम भर देंगे, तू पहले अपना पढ़ाई शुरू कर, हम भर देते। पढ़ाई छोड़ना ना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है हमारी बिटिया, वो बनारस जाके बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना है। बिटिया अपने सपनों की जो दौर है ना, को कभी ढीला मत छोड़ना। तुम्हारी बहुत याद आ रही है बाबूजी, एक बार तो तुम्हारे गले लगना चाहते हैं, जी भर के रोना चाहते हैं हम। आपकी बिटिया बहुत जल्द आपको मिलने आएगी। जय राजा बाबू दिया ना कोई पैसा मुंह बंद रखने के लिए? हर चीज में आपको घुसना जरूरी है, अपने काम से काम रखिए ना। ये पैसे मेरे हैं। चंपा दीदी हम आपसे कह रहे हैं, अब किसी दिन मुंह के बल गिरेंगी। जय राजा बाबू पर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर रही है, किसी का भी सगा ना है वो। उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा और क्या है ये मेरे और उनके बीच की बात है, आपको क्यों जलन हो रही है? इतना चौकी है मैं बहुरानी, ये हिम्मत मुझे आप ही से मिली। नहीं तो मुझे तो पहले लगता था हम नौकरों का काम मालिकों के सोफे के नीचे से धूल निकालने का है, पर आपकी तरक्की देखकर समझ में आया कि अगर पैतरा सही से फेंका जाए ना तो हम भी उनकी बराबरी कर सकते हैं। देखिए चंपा दीदी, आप उनके बराबर बैठे या उनके गोद में, इससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो कर रही है ना उससे इंग्लिश दीदी का जिंदगी खराब हो सकता है। आप ये घर का नमक खाई है, उनके मान सम्मान के प्रति कोनो कोनो जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? खुद की पांचों उंगलियां घी में है और मुझे ज्ञान दे रही हो। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूँ। यारा जी का क्या है, दो तीन दिन में उनका किस्सा निपट जाएगा, फिर आप वापस इस घर की बहुरानी बन जाएंगी। मेरा क्या, मैं पूरी जिंदगी झूठे बर्तन नहीं धो सकती, समझी? चंपा दीदी हम जानते हैं कि आप ही जिंदगी से खुश ना है,
हम ये भी जानते हैं कि आप नहीं चाहती कि किसी की जिंदगी बेकार हो। हमें पूरा विश्वास है कि आप जयराजा बाबू का सच सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन तब तक हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करिए जो वापस लिया ना जा सके। बाकी तो आप समझदार हैं ही। दाखिला वाला फार्म तो भरने ही भूल गया हम। कल आखिरी तारीख है, हम भी भर देते हैं। कलम कहाँ रख दिए हम? ओह, रसोई घर में हिसाब कर रहे थे, वहीं छोड़ा है शायद। अरे कहाँ रख दिए हमार कलम? क्या कहीं तो रखा होगा। माता रानी, ये कौन है? अब हमारे इस घर पर कौन सी नई आफत आने वाली है?